हाय फ्रेंड्स, आज की ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और कल एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था मटर की पुड़ी बनाने का, जो एकदम अनसक्सेस हो गया। अनसक्सेस इसलिए हो गया क्योंकि कल बहुत मैं अभी तक मैंने वो ब्लॉग डाला नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर डालूंगी वो ब्लॉग और देखना। बहुत सारी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आज इस कसम के साथ खा के कहती हूँ कि आज कुछ अच्छी पूड़ी मटर की बनाऊंगी और इसी जन्म बनाऊंगी, आज ही बनाऊंगी और आज ही खाऊंगी। और कुछ दो शब्द आपको ये भी कहेंगे मटर के बारे में। रुको सुनवाती हूँ क्या बोलते हैं ये। बताओ कैसे बनाओगे मटर की पूड़ी, कल कैसी बनाई थी? कल वाली बहुत अच्छी, कल वाली तो ये कल वाली साला मजाक हो गया, उसमें मटर का टेस्ट ही नहीं आ रहा था क्योंकि गलत पराठे बनाए थे ना। पराठे में ये क्या होते हैं पराठे, पहले साला मटर को इतना पहले क्या किए थी, पहले उसको पका के ग्राइंड बनाई, साला वो चटनी बन गई। अब उसमें फिर आटा डाल के उसको गूंद दिए और फिर क्या मटर पराठा बन गया क्या साला, ये क्या बता पराठा। इसलिए आज ये बनाएंगे। देव कैसे देख रहे हैं मुझे गुस्से में, आई मतलब हम दोनों मिलके बनाएंगे, लेकिन इनका 80% रहेगा, मेरा 20% रहेगा। टैलेंट मेरा, मेहनत तेरी। हाँ, इंजीनियर कभी मजदूरी नहीं करता। ठीक है, और आज आपको हम लोग दिखाएंगे कि कैसे बनता है। हाँ, नहीं कि हम कैसे बनाते हैं भैया। मैं नहीं पीसूंगी, ये पीसेंगे मटर, क्योंकि कल मैंने इनकी चटनी बना दी थी भैया पीसते पीसते, मुझे डर लगता है। तो ये इसमें डाल रहे हैं और इसमें पीसना चालू। यहाँ पे हमने मटर पीसा है, दिखा ना, हाँ भी नहीं हुआ ग्राइंड, ऐसे थोड़ा हो तो गया है, थोड़ा सा एक बार चम्मच से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है गाइस, बस थोड़ा सा और बचा, एक बार ढेंग ढेंग करेंगे और हो जाएगा, ये सब मेरी मेहनत है। ठीक है, बस एक बार ढेंग ढेंग करना है, बस दे तो। अब बढ़िया हुआ, कल तो बहुत ज्यादा कर दी थी क्या? हाँ कल वो नहीं, वो पता है बात क्या है, उबले हुए मटर थे ना गाइस। फाइनली मटर ग्राइंड हो गया है और बहुत अच्छा हुआ है, कल मुझसे मिस्टेक हो गई थी और कल मटर की चटनी बन गई थी, बट आज बहुत अच्छे हुए। मैं रुको दिखाती हूँ, आज ऐसा हुआ जैसे घर वाले, ये देखो ये देखो, आज बढ़िया हुआ। कल तो साला चटनी हो गई, पूरी भर में पूरी से बह जा रही कल मुझसे मिस्टेक हो गई थी ना, इसीलिए मुझे आज उठ के आना पड़ा। आज इसीलिए मैंने कहा भैया आप चलो आप बनाओ, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं खा सकती हूँ। खा तो ठीक है, बहुत मुश्किल से ये पूरी की प्रोसेस स्टार्ट है। जब ये वीडियो बनाती ना तो एक मूवी का हेरा फेरी रहती ना, तो उसमें एक आदमी खिड़की से बोल रहा था, बटला होता एक बहुत लंबा होता खिड़की के ऊपर, उसका ऐसे आ रहा जैसे मेरा इसमें नहीं आ रहा। मेरी देखो, मेरी और इनकी हाइट तो देखो, मतलब मैं इतना आती हूँ इनकी इतना, सोचो भाई ये आदमी कितना बड़ा है। तू छोटी है, मैं बड़ा नहीं हूँ। और भाई ठंड वंड हो गई है, अपने घर में रहो, मस्त तरीके से खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि बेचारे ये तो ड्यूटी जाते रहते दिन भर। और हम पुड़ी बनाएंगे, लेट्स गो। यहाँ पे हमने पुड़ी की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, यहाँ पे हमने डाल लिया है तेल, यहाँ पे हो गया है हमारा आटा और यहाँ पे हो गया हमारा डो तैयार। और ये मतलब ये मेरे जो पति थे पुड़ी उठ सकेंगे, और करो गाइस। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, मतलब ये बना रहे हैं पूरी, देखा। हाँ ये कल तो ऐसा देखने के लिए गाइस तरस गए थे, कल तो पता है मैंने मटर की चटनी बना दी थी। और यहाँ पे बना रहे हैं पूरी, हाँ भाई साहब बन गई ये पता है। मैंने भी अब तक मटर की पूड़ी नहीं बनाई, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बना लूंगा। हाँ बन रही है।
ये भाई इतने दिन से बनाते, लोगों को देख रहे हैं, तुम जिंदगी में एक सब्जी बना लिए ना, तुम भरोसा रखो तुम सब बना लोगे। फाइनली भैया हमारी पूरी तैयार हो गई है, बस ये ज्यादा नहीं करेंगे, बस बस ठीक है, नॉर्मल है, बस मार पूरा फैल ले। एक पूरी तैयार हो गई है और ये मटर की पूरी मैंने, देखो आज का डो मेरा कितना मस्त है, मैंने बनाया। हाँ बनाया तो आपने है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मैंने छीले थे बग्गू मटर, थोड़े दे थोड़ी दे थोड़ी दे थोड़ी दे, तू एक बार बैठ गई उसके बाद लगी इधर उधर फोन में बात करने, अब मैं सारा पूरा मटर मैं धीरे धीरे छीला। गाइस अब हमारी कढ़ाई हो गई, अब हम इसमें डालेंगे पूरी। कढ़ाई नहीं होगी, तेल हो गया। हाँ तेल हो गया। क्या क्या सिखाना पड़ेगा तुम, कई कई मेरे होंगे वो साले के, चल साला इससे काम ही करवा दे। कई लोग तो सोचते हैं हाँ ये हम लोग से बहुत काम करवाता था ना, अब देख रूम पे आपके जो दोस्त हैं, रूम पे भी काम करता था। अच्छा रूम पे भी मैं सब्जी बनाता था, और मैं सब्जी बनाता था सारा काम खुद करता था। अच्छा नहीं काम मैं किसी से नहीं करवाता। ये देखो ये ऐसे पूरी में से डो में ये रखा, जैसे गुजिया बनाते हैं बस वैसे ही माल बन दो। अभी इसको जितना गहरा बनाऊंगे माल उतना ज्यादा उसमें जाएगा, इसलिए क्या हुआ इस बार आटा थोड़ा पतला किया है क्योंकि ज्यादा माल भर नहीं पा रहे, ठीक है तो आटा थोड़ा सा पतला कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं फूड ब्लॉग, मैं साला क्या क्या करूँ, मैं गाड़ी चलाऊँ, मैं ट्रेन चलाऊँ, मैं नौकरी करूँ, फूड ब्लॉगिंग करूँ, शायरी की ब्लॉगिंग करूँ। भैया मल्टी टैलेंटेड आदमी है, लोगों की गालियाँ सुन, देखो बीवी है ये भी खाना बना रहा है। हाँ हाँ भैया लोग कमेंट्स भी बहुत करते हैं, क्या हुआ, कई लोग बहुत कमेंट्स कर, बताओ बताओ मतलब जॉब भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, खाना भी बना रहा है। खाना बनाना मैं मुझे जैसे एक पैसा, देखो तेल तेल के भूल गई है, ये डाल है पूरी, क्या क्या करूँगा, कब करे आज कल कर तो बढ़िया कर करूँगा। गाइस हमने पहली पूरी बना ली है अपनी मटर की, और ये जो हमारी सबसे बड़ी जीत है, अब देखते हैं कि हम कितने ओवर में आउट होते हैं। फर्स्ट पुड़ी इज रेडी। आहा मैं तो पहली बार ही देखी, नहीं दूसरी बार देखी मटर की पुड़ी, देखी आता नहीं देखी हम लोग यहाँ, नहीं कोई नहीं खाता हम लोग यहाँ, कभी नहीं बनती, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते या बनाते जो बहुत मेहनत वाला। नहीं, 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 नहीं,